लेकिन उससे पहले झारखंड से बड़ी खबर, जहां गठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन आज सीएम के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार चंपई सोरेन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले कल देर शाम को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया। फिलहाल राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही चंपई सोरेन को 10 दिनों में सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन। आज 12 से 1 बजे के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है, सूत्रों के अनुसार ये खबर है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, आपके पास क्या कुछ जानकारी कि आज शपथ ग्रहण हो जाएगा, 12 से 1 के बीच का ये वक्त बताया जा रहा है? जिस चीज का इंतजार था महागठबंधन को, महागठबंधन के नेताओं को, रात तकरीबन 11 बजे के आसपास वो इंतजार खत्म हुआ जब राज्यपाल ने चंपई सोरेन, जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हें और आलमगीर आलम को अपने पास बुलाया। जब राज्यपाल से वो लोग मिलके निकले तो फिर चीजें स्पष्ट हो गई कि आज शपथ लेने के लिए तारीख तय की गई है। तकरीबन 12:15 में शपथ ग्रहण का जो है समारोह को रखा गया है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन इतना साफ है कि महागठबंधन को जो नेता मिला था चंपई सोरेन के नाम पर, तो चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, और 10 दिन के भीतर बहुमत भी साबित करना होगा। हालांकि चंपई सोरेन ने 47 विधायकों का दावा पेश किया। जी बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को और साथ ही साथ राज्यपाल से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, 47 विधायक उनके समर्थन में है। इसी को लेकर कल जब देर रात तक राज्यपाल से मुलाकात हुई तो राज्यपाल ने चंपई सोरेन को आज शपथ लेने का वक्त तो दे दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप 10 दिनों के अंदर फ्लोर टेस्ट कर अपना बहुमत साबित करें। तो चंपई सोरेन के पास यानी महागठबंधन के पास फ्लोर टेस्ट करने को लेकर भी 10 दिनों का मौका है और सीधे तौर पर भरोसा है कि 47 विधायक उनके साथ है और आराम से जो है वो बहुमत साबित कर दिया जाएगा। कामरान, बिल्कुल आपने इस बात की जानकारी दी कि 12 से 1 के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है, ऐसे में कौन से खास मेहमान? बिल्कुल, देखिए जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद गुप्ता भी शपथ लेंगे और इस दौरान क्योंकि पुरानी सरकार में यानी हेमंत सरकार में जितने भी मंत्री जितने भी विधायक थे, जानकारी तो ये निकल कर सामने आ रही है कि तमाम लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कल जब देर रात तमाम विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा था उस दौरान कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसीलिए तमाम जो माननीय है वो रांची में मौजूद है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह जब होगा उस दौरान तमाम विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल कामरान, आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, चंपई सोरेन आज सीएम पद की शपथ लेंगे, 12 से 1 का जो वक्त है वो बताया जा रहा है। साथ ही तमाम जो विधायक है वो भी शिरकत करेंगे शपथ ग्रहण में। तो आज झारखंड को एक नए सीएम मिलेंगे चंपई सोरेन, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के